हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानपीठ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम क्लास 8। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। -4/5 × 1 = −4/5 = −4/5। 1 को −4/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो −4/1 ही आते हैं। नाउ 1 × −4/5 अगेन −4/5। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ ये प्रॉपर्टी होता क्या है? मैंने तो आप लोगों को बोल दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या है? सपोज ए बाई बी, दिस इज अ रैशनल नंबर, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम अगर 1 को भी हम a by b से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा a by b। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। व्हाई मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी? बिकॉज ऑफ किसी भी रैशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वही नंबर आता है। जस्ट लाइक दिस, a by b into 1 विच इक्वल टू a by b, 1 into a by b विच इक्वल टू ऑल्सो a by b। सो दिस इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से वो नंबर ही रिजल्ट के रूप में आते हैं। नाउ सेकंड वन, −13/70 × −2/7 = −2/7 × −13/17। सपोज आई टेक इट एज दिस इज एज ए एंड दिस इज एज बी, सो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, विच इक्वल टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन करें रिजल्ट सेम ही आएगा। और रिमेंबर दैट दो रैशनल नंबर लेना पड़ेगा। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ −19/29 × −19/-19 = 1। That means a by b into b by a, a a cancel हो जाएगा, b b cancel हो जाएगा, equal to 1। इस property को हम बोलते हैं multiplicative inverse। So first question we have completed. Now second question, tell what property allows you to compute 1/3 × 6 × 1/4 as 1/3 × 6 × 4/3। ये दोनों में ही आंसर सेम आएंगे, लेकिन हम इधर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। सपोज ए बी सी, दिस थ्री आर रैशनल नंबर्स। अगर हम बी एंड सी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा इक्वल टू ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करने से, उसके बाद उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करने से सेम रिजल्ट आएगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो इधर हम कौन से प्रॉपर्टी है इसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड दोनों में रिजल्ट सेम आएंगे। मैं करके दिखला देती हूँ आप लोगों को। सो 1/3 × 8 = 8/3। नो ये पार्ट करके दिखाते हैं, 1/3 × 6 8/3 = 8/3। किसी भी ऑर्डर में करें आंसर सेम ही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। सपोज आई टेक 2/3 × 3/5, सो 2/5 दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। Suppose I take 0 × 2/5,
answer is 0, and we know that 0 is a rational number, so product of two rational numbers is always a rational number. Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe, and click the bell icon so that you will get the notification of our all videos.